देखिए मार्केट ने आज कैसा रंग दिखाया। मेरा मानना है कि जो ऑप्शन है हमारे 51,000 का बैंक निफ्टी का और 24,900 का निफ्टी का, ये दोनों ऑप्शन में अगर आज भी आपने कोई ट्रेड लिया होगा तो शायद मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि आज मार्केट ने काफ़ी अपने रंग दिखाए। CPI के डेटा जो कि US से आने वाले थे उसके नाम पे, देखिए निफ्टी पहले 94 पॉइंट अप खुला और बाद में वो -122 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि करीबन सिर्फ 28 पॉइंट का डाउनफॉल इसमें आया। लेकिन जो लोग टाइमली एंट्री नहीं कर पा रहे हैं और टाइमली एग्जिट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये चीज़ झटका देने वाली होगी। और बैंक निफ्टी ने क्या किया आप देखिए, उसमें 51,420 का हाई लगाया, फिर गोता खाया और एट द एंड ऑफ द डे -262 पॉइंट्स पे जाके वो बंद हुआ, मतलब 51,010 पर वो बंद हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने मेरे वीडियो में आपको कहा था कि मार्केट को देखते रहें, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करते रहें, क्योंकि आखिर में अगर वो गिर जाए तो क्या। और जो कॉल ऑप्शन मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का लेने के लिए कहा है, उसमें मैंने अंडरलाइन करके ये बताया है कि आप पूरा दिन देखिए मार्केट को और एट दी लास्ट लेग ऑफ द मार्केट। अब याद करिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, तो लास्ट लेग में तो आपने देख लिया कि मार्केट फॉल हो रहा है और कल भी शायद मान लीजिए कि गैप डाउन खुलेगा मार्केट, तो आपको जो ऑप्शन मैंने बताए हैं 51,000 का बैंक निफ्टी का और 24,900 का निफ्टी का फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी, तो आपको कल ये सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन आप यही देखते रहिए कि उसमें जब तक कोई धक्का ना लगे आप इसको सिर्फ देखते रहिए, और हो सके तो कल एट द एंड ऑफ द मार्केट, जस्ट बिफोर अ फ्यू मिनट्स ऑफ द मार्केट, आप देख लीजिए कि मार्केट कहाँ तक गिरा है। एक बात आपको इतनी ही समझनी है कि जितनी ज़्यादा मार्केट गिरेगी आपको ये कॉल ऑप्शन सस्ते में मिलेंगे, और जितनी मार्केट बढ़ेगी उतना ये कॉल ऑप्शन आपको महंगे मिलेंगे। फिर भी कल अगर धक्का लगता है तो काइंडली आप रिस्क लेके भी इसको बाय कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अच्छी खुशखबरी बताऊं, आपने देखा होगा हर जगह पे मार्केट में क्रैश की बात चल रही है। डाउ जोन्स 700 पॉइंट डाउन हुआ था और अब सिर्फ 200 पॉइंट ही डाउन है, मतलब 500 पॉइंट्स की उसमें रिकवरी आ गई है। नास्डेक प्लस में ही चल रहा है और साहब गिफ्ट निफ्टी भी हमारा प्लस में चल रहा है। जैसे जैसे US से जो फेड के इंटरेस्ट रेट के कट की तारीख नज़दीक आती जाएगी, वैसे वैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हालांकि ऑपरेटर लोग हमें भरमाएंगे मार्केट क्रैश होगा, मार्केट में ये होगा, मार्केट में वो होगा, लेकिन आप मेरा यकीन करिए, इंडियन मार्केट का अंडरटोन तेजी तरफ ही है।
आज के दिन को क्या मंदी का दिन कहोगे? बताओ मुझे। आपका पर्सनल लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसकी बात छोड़ो, बाय एंड लार्ज निफ्टी में हार्डली 30 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी का 51,000 पर ऊपर मंद होना और 51,420 तक जाना, ये कोई मंदी का चिन्ह है? डेफिनेटली नहीं है। और आज जो यूएस का डेटा आया है वो अच्छा आया है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे लग रहा है कि डेटा अच्छे आएंगे। यूएस का सीपीआई डेटा 2.5 पे आया, जो कि लास्ट टाइम 2.9 था और उसका प्रोजेक्शन भी 2.6 का था, मगर वहाँ के एनालिस्ट भी मान रहे थे कि हमारा जो सीपीआई डेटा है वो 2.6 का आएगा, लेकिन ये उससे भी नीचे आया 2.5। अभी इंटरेक्शन होगा इसका, इसका इम्प्लीकेशन जो होगा वो आप कल मॉर्निंग में डाउ जोन्स चेक करके देख लेना। मेरा मानना है कि डाउ जोन्स बहुत ही माइनर रेड में हो सकता है, जो कि एक समय पे जब ये डेटा आया इसके बाद ये 700 पॉइंट तक लुढ़का था, लेकिन अमेरिकन मार्केट को चालू है अभी 3.5 घंटे ही हुए हैं और इस बार सिर्फ 200 पॉइंट का ही मामला बचा है, तो आप देख लीजिए सुधर रही है। और नास्टेक तो प्लस में ही है, गिफ्ट निफ्टी भी प्लस में है, तो मैं तो ये भी उम्मीद रखता हूँ कि कल हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा। कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा। और देख लीजिए ये बात कि आप एक ही पॉइंट्स जो है जो कि लोग बता रहे हैं, बड़े बड़े लोग, कि क्रूड के दामों में लगातार मंदी आ रही है, आज वो करीब 3 साल के रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया। क्या हुआ इससे? ओपेक जो है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसने क्या बताया है कि डिमांड कम हो रही है। 2024 और 25 के डिमांड का जो उसका प्रोजेक्शन है वो उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन देखिए विंटर इज राउंड द कॉर्नर, फिर बढ़ने लगेगी नेक्स्ट मंथ से उसकी डिमांड, आप देखेंगे। और भारत के लिए तो क्रूड ऑयल का सस्ता होना वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है, क्यों कि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो सकता है। हमारा इम्पोर्ट बिल कम होता है जिससे फायदा होता है, लॉजिस्टिक में फायदा होता है, एविएशन में फायदा होता है, क्योंकि उनको ATF जो है उनका फ्यूल वो सस्ता मिलता है, तो हमें तो फायदा ही फायदा है। इसमें कोई इतनी कोई बड़ी लंबी कोई बात नहीं है कि भाई पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, ऐसा नहीं है। पेट्रोल और क्रूड के दाम जो कि घट रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें बेरिश सेंटीमेंट आ गया है, इससे ग्लोबल कंजप्शन को खतरा है, ग्लोबल कंजप्शन को खतरा है। देखिए ये सब चलता आता है सालों से, सैकड़ों सालों से मार्केट चलती है हमारी, बंद तो होने वाली नहीं है। तो बेरिश सेंटीमेंट्स की बातों से आप मायूस मत होना, सेंटीमेंट्स तेजी का ही है। हमारा एक ही जो शेयर है जो नहीं चल सका है और उसमें मैं भी आहट हूँ, जो कि कल मैंने आपको बताया था, वो है रिलायंस। रिलायंस को क्या हो गया?
देखिए कुछ नहीं हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉल इन द क्रूड प्राइसेस ग्लोबली। मेन रीजन अभी का जो है वो ये है कि इसके जो क्रूड के दाम है उसमें फॉल हो रहा है। तो अब क्या होगा, रिलायंस का शेयर देखिए आज 2926 पे वो कल बंद था, आज वो 2937 हो गया, फिर वो 2895 पे आया और फिर वे 2904 पे आया। मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बोला है कि आप देखते रहिए, बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि अब ये बढ़ेगा तो आप ले लीजिए, लेकिन अगर वो घटने लगे तो इमीडिएटली आप लॉस बुक कर लीजिए। ये सिर्फ एक गेम है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द प्राइस मूवमेंट, क्योंकि ये शेयर ऐसा है, देखिए 2904 पे आ गया है वो, क्या ये शेयर 3000 से नीचे हो सकता है? कतई नहीं, नहीं रहेगा। क्योंकि एक जमाना था जब रिलायंस की आय ज़्यादातर क्रूड के सेक्टर के बिजनेस से आती थी, अब तो डाइवर्सिफिकेशन है, रिटेल में उन लोगों ने टाई अप किया इज़राइल की कंपनी के साथ, रिलायंस जियो है टेलीकम्युनिकेशन का बादशाह जो बन रहा है अभी, तो प्रॉफिट बाय एंड लार्ज उनके अच्छे ही आते हैं। उसके प्रॉफिट को देखते हुए ही रिलायंस ने बोनस घोषित किया है, और ये भी कोई छोटा बोनस नहीं है, एक के सामने एक, मतलब आपके पास 100 से होंगे तो 200 हो जाएंगे। अगर आप मान के चले कि अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप ये 2904 के भाव से, या तो थोड़ा देख के अगर ये और नीचे जाता है, मान लोगे 2850 तक आया, आप कुछ शेयर्स इसके ले लेंगे और आपके बच्चों के नाम कर देंगे तो आपको कोई भी नुकसानी नहीं होने वाली है। और ऑप्शन में आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब इसमें मुनाफा मिलता है तो अगर आपने लॉस टाइमली जल्दी जल्दी बुक कर लिए तो वो सब लॉस एक ही झटके में पूरी कर देता है ये शेयर। कितना सस्ता हो गया इसका अभी आपको क्या देखना होगा, अगर आपने लिया है और लॉस बुक नहीं की है तो आपके लिए एवरेजिंग के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन आप इन एडिशन एक चीज कर सकते हैं कि जो लिया है उसको रहने दें, मतलब रहने दें मतलब देखें, और अभी जो इसका प्राइस का जो उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आ रहा है 2900 का, 2900 के स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल आप देखते रहें। ये एक्सपायरी खत्म होने में अभी कुछ 10-12 दिन है, सैटरडे संडे को निकालते हुए मैं रफली काउंट करता हूँ, तो ये 10-12 दिनों में 2900 वाला जो ऑप्शन होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रीमियम डीके वाला फैक्टर, कि कल देखो थर्सडे है, अगर मान लीजिए कल भी रिलायंस इस तरह साइडवेज चले तो आप इसको मत ले ये ऑप्शन को, फ्राइडे को भी न ले, अगर बढ़ जाए तो बढ़ने दो, फिर सैटरडे संडे को जब प्रीमियम इसके डाउन हो जाएंगे डेल्टा के कारण, तो मंडे को फिर आप विदाउट फेल 2900 का कॉल, या तो अगर उस वक्त प्राइस उसकी 2850 है तो फिर 2840 वाला कॉल ऑप्शन रिलायंस का ले लें। लेकिन इसको आप ले, अगर कल भी आप ले सकते हैं मैं तो मानता हूँ, लेकिन क्या है कि आप फिर कंप्लेंट करते हैं, क्या हुआ सर रिलायंस में तो हम फंस गए मर गए, आप फंसे या मरे वो मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको देखना है, लालच में नहीं रहना है। आज जितने ट्रेड मैंने लिए उसमें काफ़ी में मैंने लॉस बुक करके मैं निकल गया था, और अच्छा हुआ क्योंकि जब एट द एंड मैंने उसके जो प्राइस देखे बैंक निफ्टी के तो कहीं पे लॉस पहुंच जाता मेरा,
लेकिन ओवरऑल मैंने प्रॉफिट किया। रिलायंस में कल आप मान लीजिए कि 2900 का कॉल लेते हैं, आप देखिए 2900 2899 2897 2895 तो फिर आप निकल जाइए इसमें से, बस एक ही बात। फिर वो बढ़ता है तो बढ़ने दो, वो माइंड पे मत रखो। फिर वो अगर आपने 2895 में सेल कर दिया और वही हो सकता है आपको वो वही कॉल सस्ते में मिल जाएगा। अगर कल डाउन होगी मार्केट अच्छे से तो चांस तो है ही है। 2900 वाला कॉल अगर मान लीजिए 46 में मिलता है और कल एट द एंड ऑफ द डे वो अगर 38 हो जाए तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, तब आपको लेना है। 46 वाला अगर आपने 44 में बेच दिया, 500 रुपया लॉस बुक के लिया, और 44 वाला कॉल जो आपने बेचा है उसको फिर से आप 38 में आप ले रहे हैं। मैं पूरा लॉजिक आपको समझाता हूँ इसमें। देखिए अगर आपने, मैं एक और रास्ता बताऊँ कि अगर आपने मान लीजिए कि आज 3-4 हज़ार रुपया अर्न किया है तो बी रेडी टू लूज 1500 रुपीज फॉर रिलायंस। हो सकता है कि जिस समय आप एंट्री ले वहीं से वो उछल पड़े तो फिर आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। देखिए मैं अब भी कह रहा हूँ कि रिलायंस मौका दे रहा है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है और आपकी लॉस को 4 फिगर तक नहीं जाने दीजिए, अप टू 950 तक भी लॉस बुक कर लीजिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि जब आप कॉल ऑप्शन देखेंगे जो आपने लिया होगा तो बताएगा प्लस 37 रुपीस, माइनस 100 रुपीस, माइनस 200 रुपीस, माइनस 300 रुपीस, बुक कर दीजिए, सेल कर दीजिए इसको और फिर ले लीजिए इसको। तो यही करना है आपको। और कल मेरा मानना है कि मार्केट गैप अप खुल सकता है, हल्का सा गैप अप, और अगर गैप डाउन भी खुला तो भी वो ड्यूरिंग द डे सुधरेगा। ऐसा ही माहौल चंद महीने पहले भी हुआ था जब मार्केट खुलती ग्रीन में या रेड में थी, अगर रेड में खुलती थी तो रिकवर हो जाती थी और एट द डे एंड वो रिकवर ग्रीन में बंद होती थी, फिर वो ग्रीन में खुलती थी और लास्ट में रेड में बंद होती थी। ये साइकिल पहले भी चल चुका है। अमेरिका का डेटा सीपीआई का अच्छा आया है, कोई मंदी उधर नहीं आने वाली है, और हमारा डेटा जो कि कल शाम तक आएगा वो तो इससे भी बढ़िया रहेगा। तो मेरा मानना है कि आप कल के दिन को भी मार्केट को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखें, और अगर दोपहर बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं मार्केट बढ़ रहा है तो ये समझ लेना कि सीपीआई डेटा हमारे अच्छे आने वाले हैं, देन यू कैन गो फॉर बाय, देन यू कैन गो फॉर बाय। और क्रूड ऑयल से की गिरावट से जिस शेयर को फायदा होने वाला है उसका एक लिस्ट आप तैयार कर लीजिए और उस लिस्ट के हिसाब से आप एक एक दो दो तीन तीन करके शेयर वो इकट्ठे करते रहें, बड़ा फायदा होगा। ONGC इसलिए घट रहा है क्योंकि क्रूड प्राइजेस डाउन हो रहे हैं, लेकिन जब क्रूड प्राइजेस में रिवर्सल आएगा तब वो बढ़ेगा, और वैसे भी ये लंबी अवधि का शेयर है। तो ये चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ। आज मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूंगा क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के प्यार से। तो अब मुझे सब्सक्राइबर काउंट की बात नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जो मिनिमम लेवल है वो मेरा हो गया है। अब जो बढ़ेंगे वो मेरे नसीब के होंगे, अब जो बढ़ेंगे वो मेरे नसीब के होंगे।
तो मैं आपको बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि ये एक एकेडमिक संवाद है। मैं किसी शेयर की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसको आप डिस्क्लेमर समझिए। और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, कल हम बाज़ार में बीच बीच में मिलते रहेंगे, क्योंकि कल का बाज़ार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर जगह पे मंदी की बात आ रही है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि कल मार्केट में तेजी आ सकती है, और परसों तो आने ही वाली है, क्योंकि हमारे सीपीआई डेटा अच्छे ही आएंगे, इंटरेस्ट कट भी होने वाला है। ओके, गुड नाइट।